ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठाते हो। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुँचते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग एक से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जिनका वर्णन हमें केवल एक ही शब्द में करना हो तो कर्मयोगी, इस उपाधि से हम उन्हें सम्मानित कर सकते हैं। वे सदैव अपने कर्म को प्राथमिकता देते हैं, अपने कर्म के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ता, यह दोनों गुण उनमें मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। किसी उद्देश्य से कार्य की शुरुआत करना और उसे पूरा करने के लिए बड़ा परिश्रम कर सफलता का आनंद लेना उनका स्वभाव होता है। ऐसा कोई व्यक्तित्व यदि आपके संपर्क में आता है तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से मकर राशि का हो सकता है। इस राशि के लोग अपने काम में इतने व्यस्त एवं मग्न हो जाते हैं कि उन्हें अन्य किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। मकर राशि के जातकों की स्वभाव विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया जाए तो हमारे पास आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देखने में आकर्षक नहीं होते, ना ही शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक विशेष तेज होता है। यह तेज परिश्रम का होता है। उसी बल पर वे दूसरों के मन में अपना विशेष स्थान बनाने में सफल होते हैं। बड़ी बात यह है कि वे अत्यंत आत्मनिर्भर होते हैं। उन्हें अपना काम स्वयं करना पसंद होता है। वे दूसरों पर कतई निर्भर नहीं रहते। यदि आप ऐसे किसी व्यक्तित्व के संपर्क में आते हैं तो समझ ले कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से मकर राशि का है। अब हम ऐसे व्यक्तित्व के संदर्भ में अर्थात मकर राशि के संदर्भ में विस्तार से समझेंगे, उनके स्वभाव की विशेषताएं, गुणों एवं दुर्गुणों का अध्ययन करेंगे। मकर यह राशि चक्र की 10वीं राशि है। इस राशि का स्वामी शनि ग्रह है। निसर्ग कुंडली में यह राशि दशम स्थान में आती है। इस राशि का वर्चस्व घुटनों पर होता है। आकाश में नक्षत्रों से बनी आकृति जिसका मुख हिरण का है और शरीर मगरमच्छ से बना है उसे मकर राशि कहा जाता है। यह स्त्री एवं सम राशि है। साथ ही यह चर, चतुष्पाद, जलचर एवं पृथ्वी तत्व की राशि है। इसके अलावा इस राशि को पृष्ठोदय, रात्रिबलि एवं मध्यम प्रसव राशि माना जाता है। गुण एवं स्वभाव की विशेषताओं के संदर्भ में कहा जाए तो मनमौजी स्वभाव, काम के प्रति दृढ़ता, चंचल, भावनाशील, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, सहनशील, थोड़े से कंजूस, व्यवहारी, आत्मनिर्भर, एकांत में रुचि, यह गुण मकर राशि में पाए जाते हैं। यह लोग एकांत में अधिक रहना पसंद करते हैं। एकांत में जाकर चिंतन करना और उससे नए मार्ग खोजना, यह उनका नित्य क्रम होता है। मकर राशि को श्रमिक लोगों की राशि के रूप में जाना जाता है। श्रमिक राशि होने के कारण काम के प्रति उच्च कोटि की निष्ठा, किसी भी चीज़ को दृढ़ता से पूरा करने की क्षमता इन लोगों में होती है। कष्टों का, परिश्रम का तेज उनके चेहरे पर दिखाई देता है। बड़ी महत्वाकांक्षा एवं प्रचंड परिश्रम, इन दो महत्वपूर्ण गुणों का संगम इनमें होता है। उसी के बल पर
वे किसी भी कठिन कार्य को पूरा कर सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले। परिश्रम करने की मानसिक तत्परता होने के कारण यह लोग आत्मनिर्भर होते हैं, वे किसी पर निर्भर नहीं होते। यह लोग कर्म को महत्व देते हैं, इसीलिए कम बोलते हैं। वे शांति से एवं मुद्दों के अनुसार बोलते हैं। सभी को आनंद देकर नम्रता से व्यवहार करना उन्हें पसंद होता है। मकर राशि के जातकों को महंगी चीज़ें पसंद नहीं होती। वे परिश्रम के मूल्य को अच्छे से समझते हैं, फलस्वरूप व्यावहारिक होते हैं। कोई भी प्रलोभन उनके मन को मोह नहीं सकता। साथ ही यदि उनसे गलती हो जाए तो भोगने की या प्रायश्चित करने की वृत्ति उनमें होती है, इसीलिए यदि उनसे कोई गलती हो जाए तो शीघ्र ही सामने वाले से क्षमा याचना करने में वे हिचकिचाते नहीं हैं। इन लोगों के व्यवहार में न्याय निष्ठुरता होती है। अपने परिश्रमी एवं नम्र स्वभाव से वे लोगों का मन जीत लेते हैं, फलस्वरूप लोगों से उन्हें सम्मान भी प्राप्त होता है। खाने पीने के संदर्भ में कहा जाए तो मकर राशि के लोगों की कोई विशेष पसंद या नापसंद नहीं होती। वे सादा भोजन लेना पसंद करते हैं, उनका खाना भी कम होता है। मित व्ययी होने के कारण वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि घर का खाना बेकार न जाए। घर के सभी सदस्य एक साथ और समय पर ही खाना खाना चाहिए, इसके लिए वे अनुशासित रहते हैं, जिस कारण ऐसे लोगों के घर में अनुशासन का पालन होता है। घर में उनकी बात का सभी लोग सम्मान करते हैं। विशिष्ट लक्ष्य लेकर लगातार संघर्ष करने वाली सहनशील ऐसी यह राशि है। संकटों का सामना कर विपरीत परिस्थितियों से मार्ग खोजना इनका मुख्य गुण होता है। मकर राशि के लोग कद से छोटे लेकिन तेजस्वी होते हैं। वे जिद्दी, ईर्ष्यालु, अधिक चिकित्सक, बातूनी और कभी कभी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन धैर्य से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का कौशल्य भी उनमें होता है। मकर राशि के जैसे गुण हैं, वैसे ही कुछ दुर्गुण भी इस राशि में पाए जाते हैं। राशि स्वामी शनि ग्रह होने के कारण वैराग्य, निराशावादी, उदासीनता, किसी भी चीज़ को शीघ्र ही मन को लगा लेना, उससे उत्पन्न होने वाली संकुचित वृत्ति आदि इस राशि के प्रमुख दुर्गुण होते हैं। निराशावादी वृत्ति होने के कारण अपने पास जो कुछ है उससे खुश होने की अपेक्षा जो नहीं है उस पर वे अधिक विचार करते हैं। फलस्वरूप यह लोग कहीं न कहीं जीवन का आनंद खो देते हैं। साथ ही उनसे होने वाली गलतियाँ, गलतियों से होने वाला नुकसान और नुकसान से पुनश्च निराशा, ऐसे दुष्ट चक्र में वे फंस जाते हैं। इसीलिए मकर राशि के लोग अपने गुणों का पूरा लाभ उठाने से चूक जाने की संभावना होती है। अब तक हमने मकर राशि की स्वभाव विशेषताएं, गुणों एवं दुर्गुणों को समझा। अब शास्त्रीय दृष्टिकोण से नक्षत्रों के अनुसार मकर राशि का स्थान समझ लेते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, श्रवण नक्षत्र के चार चरण, धनिष्ठा नक्षत्र के पहले दो चरण, कुल मिलाकर नौ चरणों से मकर राशि बनती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी रवि ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति मनुष्य गण का होता है। विनयशील, बुद्धिमान, अध्यात्म में रुचि, दूसरों की मदद करने वाले लोग इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति देवगण का होता है। यह लोग श्रद्धालु, परोपकारी एवं कर्तृत्ववान होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति राक्षस गण का होता है। यह लोग क्रोधी, असंयमित एवं अहंकारी होते हैं। शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में कहा जाए तो
मध्यम कद, पतला शरीर, बड़ी नाक, आकर्षक गहरी आंखें, चौड़ी छाती, चेहरे पर तेज कर्कश आवाज, तेज चलना आदि विशेषताएं मकर राशि के जातकों की होती है। घुटने, जोड़, हड्डियों पर इस राशि का वर्चस्व होता है। व्यापार, व्यवसाय और नौकरी के संदर्भ में कहा जाए तो परिश्रम के काम, सफाई, वकील, निर्माण क्षेत्र, वातानुकूलित वस्तु निर्मिति, तेल, चमड़ा, खदान, मिट्टी भूमि से संबंधित व्यवसाय, पालिका, लोहा, भंगार, हड्डियों से वस्तुओं की निर्मिति, स्मशान भूमि, बूचड़खाने, धातु आदि क्षेत्रों में मकर राशि के जातक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के अनुसार उत्पादों के संदर्भ में कहा जाए तो काले रंग की वस्तुएं, लोहा, तेल, चमड़ा, फ्रिज, ईंट, सीमेंट, खाद, हस्तिदंत की वस्तुएं, बाल आदि उत्पादों का व्यापार, व्यवसाय या नौकरी कर मकर राशि के जातक अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। जगहों के संदर्भ में कहा जाए तो नदी, पानी के स्थल, जंगल, दलदल, बंजर भूमि, रेगिस्तान, अस्पताल, वातानुकूलित यंत्र, अस्वच्छ घर, कूड़े का ढेर आदि जगहों पर मकर राशि के लोगों का प्रभाव दिखाई देता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान बढ़ा होगा, यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है, चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसीलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह से समझ में ना आए। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय हैशटैग एस्ट्रोगुरुमा लिखकर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्नों का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। यदि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हम उस पर अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं। ज्योतिष अध्ययन के लिए भी यह भी महत्वपूर्ण है, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहें, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।